धनबाद बोकारो मुख मार्ग के तिल मोचो ब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने पिकअप वैन में मारी जोरदार टक्कर। टक्कर में पिकअप वैन ड्राइवर की मौके पर मौत। धनबाद से बोकारो को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर आज तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने एक पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वैन के फरकच्चे उड़ गए। वैन में 4 लोग सवार थे। इसके अलावा उक्त वैन में एक गाय और बछड़े लोड थे, जिसे कहीं ले जाया जा रहा था। विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात वाहन ने वैन जा टकराई, जिससे इस हादसे में वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों को चोट लगी है। तीनों घायल की हालत में काफी गंभीर है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर ग्राम रक्षा दल का चेक पोस्ट है। उन्होंने बताया कि जोरदार आवाज सुनकर वे लोग आए और गाड़ी में फंसे लोगों को निकाल कर अस्पताल भेजा। सूचना पाकर महोदा पुलिस भी मौके पर पहुंची और NHAI की मदद से सड़क को खाली करवा कर आवागमन दुरुस्त करवाया। दरअसल ये 4 लेन सड़क है और NHAI ने एक पुल को महीने से बंद कर रखा है, जिस कारण सभी गाड़ियों को एक ही लेन से गुजरना पड़ता है। जिस कारण घटना स्थल पर अब तक कई घटनाएं हो चुकी हैं तथा कई मौतें भी हो चुकी हैं। इस दुर्घटना में गाड़ी में लदे गाय और बछड़े की भी मौत हो गई। क्या मामला है? हम ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं। हम लोग को जैसे ही सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर देखे कि कोई बोलेरो पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसमें 3 आदमी घायल है पड़ा हुआ था और एक आदमी स्पॉट किया हुआ था जो गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। उसको किसी तरह से निकाले और 4 आदमी को PMCH 108 की सहायता से और NHAI के एम्बुलेंस की सहायता से भेज दिए। उन लोगों का कुछ पता ऐसे नहीं चला। उस पूछने से पता चल रहा है कि सेक्टर 12 का है, लेकिन सब बिहार का लड़का बताया जा रहा है। उसमें एक जानवर गाय लोड था, जो गाय का भी स्पॉट हो गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सरयू नापित। क्या